Hey guys, hi, welcome back to my channel, MakeupLoverSejal. So, मैंने अपने community tab पर पूछा था, आज मैं review video बनाने वाली हूँ. So, आप किस चीज़ का review देखना चाहते हो? So, like 59% लोगों ने बोला है कि उन्हें SIVANNA ULTRA BLUSH PALETTE का review देखना है. So, here it is. आज मैं आप सबको इसका review देने वाली हूँ. इस palette को use करते हुए मुझे एक साल हो गया है. So, आज मैं आपको finally अपना review दे दूँगी कि like कैसे work करता है, कोई side effects है या नहीं. And I'll be talking on these aspects. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और आप कौन से रिव्यूज़ देखना चाहते हो वो भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ऑफ कोर्स. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं बताऊंगी ये मैंने कहाँ से खरीदा है. ये मैंने amazon.com से खरीदा है, amazon साइट से. इसकी पैकेजिंग की बात करूंगी तो बहुत अच्छे से पैक्ड होकर आया था. ऑफकोर्स पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी. और अब रियल प्रोडक्ट की पैकेजिंग की बात करते हैं. सो यार ये ऐसे कुछ ब्लैक केस में, एकदम स्लीक ब्लैक केस में आता है कुछ इस तरह. एंड दिस इज SIVANNA ULTRA BLUSH पैलेट इन द नंबर 01. सो आई गेस इसके तीन या फिर दो शेड आते हैं, बट आई फाइंड दिस नंबर 1 इज परफेक्ट अमंगस्ट ऑल बिकॉज इसमें काफी सारे ब्लश शेड्स होते हैं. और जो सेकेंड या फिर थर्ड वाला जो है उसमें मोस्टली सारे ब्रॉन्जिंग या फिर कॉन्ट्रोलिंग शेड्स ही हैं. सो या इसलिए मुझे नंबर 1 ज़्यादा पसंद आता है. जब मैंने इसे ऑर्डर किया था तब ये 399 रुपीज़ का अवेलेबल था, जिसपे 80 रुपीज़ चार्ज लगा था. सो लाइक 479 में मुझे मिल गया था. बट अभी मैंने जिस प्राइसिंग चेक किया तो ये 440 रुपीज़ में है. एंड शायद 50-60 डिलीवरी चार्ज लग के वो 480 तक ही आता है. सो या इसकी प्राइसिंग उतना ही है. The SIVANNA ULTRA BLUSH PALETTE is formulated in Korea. So now I'll be talking in points. So the point number 1 is number of shades. As I already mentioned, they have 2 or 3 shades. The second point is availability. Now you know it is available on Amazon, Flipkart and many other sites as well. मैंने Amazon से खरीदा है. जो next point है वो है price. So ये आपको easily 400-500 के बीच में मिल जाएगा. Like Amazon पर तो आराम से मिल जाएगा, अभी other sites पर आपको 400-500 के range में ही मिलेगा. अब next हम बात करेंगे इसकी shades की. So आपको एक palette में 8 shades मिलता है, जिसमें जो last वाला shade है वो आप contour के लिए use कर सकते हो. Like मैं तो ये दोनों shade as a contour use करती हूँ और ये सारे shade में as a blush use करती हूँ. और ये वाला हाइलाइटर शेड है. मैं आपको इन सारे शेड्स की स्वॉचेस दूंगी. एंड प्लस मैं इसे अपने आई शैडो की तरह भी यूज़ करती हूँ. आई एम श्योर आपने अगर मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने इसे एज अ आई शैडो भी यूज़ किया. सो मैं आपको इसके स्वॉचेस दिखा देती हूँ पहले हाइलाइटर शेड के. इट्स सो प्रिटी, काफ़ी प्रिटी हाइलाइटर एंड बहुत अच्छा पिगमेंटेड भी है. It's very pigmented, guys. अब इसके contour shades देख लेते हैं. कितना beautiful है ये, like इसकी pigmentation बहुत beautiful है, बहुत ज़्यादा beautiful है. So next point है blendability. तो इसकी blendability की बात करें तो बहुत beautifully blend हो जाते हैं आपकी face पर, like contour के लिए, blush के लिए and also as eye shadow भी बहुत अच्छे से blend होता है. So it's a big thumbs up for blendability as well. So जो next point है वो है quality. So अगर इसकी quality की बात करें तो personally मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, like क्योंकि बहुत अच्छे से blend होता है. So इसका जो भी texture है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम soft texture, एकदम इजिली ब्लेंड हो जाता है, वही क्वालिटी प्रूफ करता है. सो या एंड मुझे इससे कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं हुआ है, लाइक कोई दाने दाने या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मुझे. मुझे इसे यूज़ करते हुए 1 ईयर हो गया है. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट फीडिंग. इसकी फीडिंग की बात करें तो ऑफकोर्स इट्स अ पाउडर प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ क्रीम प्रोडक्ट और एनी जेल बेस्ड प्रोडक्ट. इट्स अ पाउडर प्रोडक्ट एंड इट डज नॉट एब्जॉर्ब इन टू योर स्किन, इट्स इट्स एज अ लेयर ऑन योर स्किन. ये पूरे स्किन के अंदर तो जाता नहीं है, क्रीम तो है नहीं कि ये फेड नहीं होगा या फिर लॉस्ट नहीं होगा. इट्स अ पाउडर प्रोडक्ट, ये फाउंडेशन वगैरह के ऊपर बैठता है, उसमें मेल्ट थोड़े टाइम के बाद ये फेड होने लगता है. बट मेरा जो भी कॉन्टोर वगैरह होता है वो बिल्कुल भी फेड नहीं होता. शायद मैं वहाँ पर हाथ नहीं रखती होंगी या मैं अपने फेस पर थोड़ा हाथ पर टच करती हूँ तो उधर जल्दी फेड हो जाता है, लाइक ज़्यादा फेड हो जाता है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ट्रांसफर. ऑफकोर्स ये जो फेड होता है वो ट्रांसफर की वजह से ही ज़्यादा फेड होता है. जब भी अगर हम अपना फ़ोन होल्ड करें या फिर अगर हम अपना हाथ वाथ रखते हैं तो वो वैसे ट्रांसफर हो जाता है. सो जिसके वजह से वो फेड भी हो जाता है. सो दीज टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज माई फाइनल रिव्यू. सो टॉकिंग अबाउट द फाइनल रिव्यू, आई एम श्योर अब तक आपको पता ही चल गया होगा वॉट माई रिव्यू इज अबाउट एंड आई वुड रिकमेंड इट टू यू और नो. डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड इट टू यू बिकॉज आई यूज इट इन ऑलमोस्ट ऑल माई वीडियोज़
ऑलमोस्ट ऑल माई मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड अगर मुझे बाहर भी जाना है तो मैं ये वाला ही पैलेट यूज़ करती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल वेरी पिगमेंटेड एज वेल प्लस वेरी अफोर्डेबल लाइक 500 के अंदर आपको 8 शेड्स मिलता है जिसमें आपको एन नंबर ऑफ ब्लशेज है कॉन्टोर है हाईलाइट भी है सो वॉट एल्स यू वॉन्ट सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन दिस पैलेट लाइक इट इज़ 4-in-1 यू कैन से लाइक ब्लश कॉन्टोर हाईलाइट आई शेडो एंड एवरीथिंग सो लाइक आई वुड रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एवरीवन सो इस प्रोडक्ट की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक इन एंड या यू कैन ऑर्डर फॉर योर सेल्फ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सो या दैट्स इट अबाउट टुडेज रिव्यू आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा अगर आपको पसंद आए हैं एंड आपको किसी भी वे में आपको हेल्प किया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी आई विल सी यू टुमारो इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बी हैप्पी बाय